सो हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप लोगों के अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो बच्चे, आज है हमारा केमिकल काइनेटिक्स का 10th लेक्चर। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जिन जिन लोगों ने इसके स्टार्टिंग के 9 वीडियोस नहीं देखे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सारे वीडियोस के मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, पहले जाके वो 9 वीडियोस देखिएगा, उसी के बाद आज का वीडियो आप लोगों को समझ में आएगा। तो बच्चे लोग, इसी के साथ एक खूबसूरत सेशन को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बच्चे को, लास्ट क्लास में हम लोगों ने लॉ ऑफ मास एक्शन के बारे में देख लिया था और एक एग्जाम्पल के साथ हमने उसको समझ भी लिया था। तो बच्चे, आज हम देख लेते हैं बेटा, रेट लॉ हमारा क्या होता है। बेटा, सबसे पहले मैं किसी भी एक केमिकल रिएक्शन का जनरल फॉर्म लिख देता हूं बेटा, ठीक है। ये मेरा एक जनरल फॉर्म है, जहां पे मेरा जो कैपिटल ए और कैपिटल बी है, ये दोनों क्या है बेटा, मेरा यहाँ पे रिएक्टेंट्स है। आप कहोगे यस सर, बिल्कुल सही बात। और वहीं पे कैपिटल सी और कैपिटल डी बेटा, वो क्या है, दोनों मेरे यहाँ पे प्रोडक्ट्स। बिल्कुल सही बात, ये बात भी हमें समझ में आती है। स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी, आई होप आप लोगों को सबको पता होगा, लेकिन एक बार फिर से बता देता हूं। स्मॉल ए क्या है बेटा, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स किसके बेटा, ऑफ रिएक्टेंट ए। बिल्कुल सही बात। बी क्या है बेटा मेरा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट बी। वेरी गुड। सी क्या है बेटा मेरा यहां पे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट सी। और डी क्या है बेटा मेरा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट डी। आप मोल्स कह लो या फिर स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कह लो, ये आपकी मर्जी बेटा, ठीक है। तो यहां पे मेरे एक केमिकल रिएक्शन का जनरल फॉर्म लिखा हुआ था बेटा, जिसका मैंने आपको सारे टर्म्स का मतलब समझा दिया। अब देखो बेटा, ये जो मेरी केमिकल रिएक्शन है ना बेटा, ये दो तरीके की हो सकती है। आप कहोगे सर कौन कौन सी बेटा, एक हो सकती है बेटा मेरी एलिमेंट्री रिएक्शन और एक हो सकती है मेरी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अब आप कहोगे सर एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होती है बेटा, एलिमेंट्री रिएक्शन वो होती है जो मेरी सिर्फ एक सिंगल स्टेप में हो जाती है बेटा। एलिमेंट्री रिएक्शन आर दोज रिएक्शंस व्हिच अगर इन अ सिंगल स्टेप, मतलब वो मल्टीपल स्टेप्स नहीं लेती हैं, एक ही सिंगल स्टेप में हो जाती हैं। इज दैट क्लियर? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं बेटा, नाइट्रोजन इज कंबाइनिंग विथ 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन और ये क्या देता है मुझे बेटा, 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। तो जो ये पूरी रिएक्शन है ना बेटा, ये पूरी की पूरी रिएक्शन मेरी एक की सिंगल स्टेप में हो जाती है। तो इसको आप किसका एग्जाम्पल बोल सकते हो बेटा, एलिमेंट्री रिएक्शन। इज दैट क्लियर? अब वही बात करूं बेटा मैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की बेटा, ठीक है। जैसे एलिमेंट्री रिएक्शन मेरी एक सिंगल स्टेप में हो जाती है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होते हैं बेटा, इसको कंप्लीट होने में आपके मल्टीपल स्टेप्स लगते हैं। मल्टीपल स्टेप्स का मतलब एक से ज्यादा, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, एंड सो ऑन। मतलब ये वाली जो रिएक्शंस होती है सिंगल स्टेप में नहीं होंगी। इज दैट क्लियर? एलिमेंट्री रिएक्शंस क्या होती है बेटा, जो एक सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो जाए, और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन वो होती है विच टेक्स मल्टीपल स्टेप्स टू गेट कंप्लीटेड। और मल्टीपल स्टेप्स हमारे कितने भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, एंड सो ऑन। अब आप बोलोगे सर इसका एग्जांपल क्या होगा बेटा, बेटा हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितनी भी ऑर्गेनिक रिएक्शंस होती हैं वो सारी की सारी किस में आती है बेटा, ऑर्गेनिक रिएक्शंस कम्स अंडर दी कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस, ठीक है बेटा। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो हमारी ऑर्गेनिक रिएक्शंस होती हैं, These reactions comes under the category of complex reactions. What does it mean? इसका मतलब क्या है बेटा, जो organic reactions होती हैं, ये multiple steps लेती हैं complete होने के लिए। दो step भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, and so on. Is that clear बेटा? ठीक है। अब वहीं पे देखो बेटा, जो मेरी elementary reactions होती हैं, ये सिर्फ मेरे theoretical concept पे based हैं। इसका मतलब सिर्फ बेटा इनको थ्योरी वाइज समझाया गया है, थ्योरी वाइज। अच्छा, आप लोगों के बोर्ड्स में, आप लोगों के बोर्ड्स में बेटा
टेंथ और ट्वेल्थ में दो तरीके के एग्जाम होते हैं ना बेटा। कैसे कैसे? एक बेटा होता है आपका थ्योरी वाला एग्जाम और एक क्या होता है बेटा आपका प्रैक्टिकल वाला एग्जाम। हाँ या ना बच्चे? फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोगों का केमिस्ट्री का थ्योरी होता है तो कितने मार्क्स का होता है बेटा? 70 मार्क्स। और प्रैक्टिकल कितने का होता है बेटा? 30 मार्क्स। प्रैक्टिकल को आप एक्सपेरिमेंट्स भी कह सकते हो बेटा, बिल्कुल, क्योंकि हम प्रैक्टिकल में केमिस्ट्री में क्या करते हैं? एक्सपेरिमेंट ही करते हैं। थ्योरी में क्या होता है बेटा? इसको बोलते हो आप लिखित परीक्षा, जिसमें आप लिख कर आते हो, सिर्फ थ्योरी। प्रैक्टिकल क्या होता है बेटा? एक्सपेरिमेंट, जिसमें आपको कुछ एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करने होते, परफॉर्म करके आप कुछ ना कुछ रिएक्टेंट ऐड करते हो, फाइनली आपको एक प्रोडक्ट मिलता है। इज दैट क्लियर? अब आपको डिफरेंस पता चला बेटा थ्योरिटिकल और एक्सपेरिमेंटल में? थ्योरी में सिर्फ आप लिख कर आते हो और प्रैक्टिकल और एक्सपेरिमेंट में आप कुछ चीजें परफॉर्म करते हो। तो जो बेटा मेरा एलिमेंट्री रिएक्शन वाला कॉन्सेप्ट था ना, कि मेरी जो रिएक्शंस होंगी जो सिंगल स्टेप में कंप्लीट होंगी, वो सिर्फ थ्योरिटिकल कॉन्सेप्ट था। मतलब एक थ्योरी उसके बारे में लिख दी, कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं किया गया, ठीक है? और ये किस लॉ पे बेस्ड है बेटा? लॉ ऑफ मास एक्शन, जो कि मैंने आपको लास्ट क्लास में समझा दिया बेटा। तो लॉ ऑफ मास एक्शन सिर्फ एक मेरा थ्योरिटिकल कॉन्सेप्ट है, इस पे कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया गया, और इसको बोल दिया कि आप भाई थ्योरी लिख दी गई है, आप इसको मान लो कि एलिमेंट्री रिएक्शंस होती है वो मेरी सिंगल स्टेप में अगर करती है। वही बेटा हमने लास्ट क्लास में देखा था कि हमारा लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता था बेटा। लॉ ऑफ मास एक्शन मेरा क्या कहता था? कि किसी भी केमिकल रिएक्शन का जो रेट होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? रिएक्टेंट के प्रोडक्ट, रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के प्रोडक्ट पर। ये बात क्लियर है बेटा? हमने लास्ट क्लास में देखा था ना बेटा कि किसी भी केमिकल रिएक्शन का जो रेट होता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, वो उसके रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। और वो कैसा रिलेशन होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एक चीज और यहां पे मैं आप लोगों का करेक्ट करना चाहूंगा कि लॉ ऑफ मास एक्शन रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के प्रोडक्ट के बराबर तो होता है बेटा, लेकिन वहां पे एक चीज और ऐड हो जाती है। आप बोलोगे क्या सर? बेटा ध्यान से देखो, यहाँ पे स्मॉल ए क्या है? स्मॉल ए क्या है बेटा? मेरा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए। इज दैट क्लियर? और स्मॉल बी क्या है बेटा? मेरा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। तो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है बेटा? किसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट होता है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन वैल्यूज ऑफ द रिएक्टेंट रेज्ड टू देयर स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स या फिर नंबर ऑफ मोल्स। इसका मतलब देखो, सबसे पहले तो ये देखो, ये क्या है बेटा मेरा? ये रिएक्टेंट ए का कॉन्सेंट्रेशन और ये रिएक्टेंट बी का कॉन्सेंट्रेशन। अब ए की पावर में कुछ आ रहा है बेटा, स्मॉल ए, ये क्या है बेटा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट ए। इज दैट क्लियर? बिल्कुल। और देखो बी के पावर में भी कुछ आ रहा है, स्मॉल बी, ये क्या है बेटा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट बी। ये बात समझ पा रहे हो? इसका मतलब अगर मैं बताऊं आपको, एक पेज और देख लो बेटा करके, ठीक है, मैं आपको समझा देता हूं। स्मॉल ए इंटू कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी इंटू कैपिटल बी इज गिविंग स्मॉल सी इंटू कैपिटल सी प्लस स्मॉल डी इंटू कैपिटल डी। इज दैट क्लियर बेटा? तो मेरा लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है? कि किसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? सबसे पहले तो जो आपने पढ़ा था, रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के प्रोडक्ट के बराबर। तो भाई ये मैंने रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट लिख दिया, बट एक चीज इसमें और ऐड होगी बेटा, क्या? ए की पावर में आपका ऐड आएगा, ए की पावर स्मॉल ए और बी की पावर स्मॉल बी। और ए और बी क्या है बेटा मेरे यहां पे? ए क्या है मेरा यहां पे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट ए, और स्मॉल बी क्या है बेटा मेरा यहां पे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट बी। इज दैट क्लियर? इस चीज को एक एग्जाम्पल से और समझते हैं। कैसे? ध्यान से देखो, स्मॉल ए इंटू कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी
इंटू कैपिटल बी, स्मॉल सी इंटू कैपिटल सी इज गिविंग स्मॉल डी इंटू कैपिटल डी। तो यहां पे बच्चे मेरा रिएक्टेंट कौन सा है बेटा? ये सारे के सारे रिएक्टेंट है क्योंकि ये एरो के एलएचएस में प्रेजेंट है, बिल्कुल सही बात। और एरो के आरएचएस में वो क्या है मेरा बेटा? प्रोडक्ट। चलो ठीक है, ये बात क्लियर है। अब लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है बेटा? मेरा लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन का जो रेट है, किसी भी केमिकल, लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है बच्चा मेरा? वो कहता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन का जो रेट है वो किसके प्रोपोर्शनल है? रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के प्रोडक्ट के बराबर। तो यहां पे रिएक्टेंट क्या क्या है बेटा? कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी। तो यहां पे वैल्यू पुट कर दो, कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी। अब बेटा जो ये आपके स्क्वायर ब्रैकेट है ना, यही आपका क्या बताते हैं बेटा? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन या फिर सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन, अगर डेल्टा होता तब तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। तो ये क्या बताता है बेटा आपका? कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, एक चीज और मिस हो रही है बेटा यहां पे, क्या? रेज टू सम पावर। तो कैपिटल ए के नंबर ऑफ मोल्स कितने? स्मॉल ए। तो यहां पे रेज टू स्मॉल ए। बी जो मेरा रिएक्टेंट है उसके नंबर ऑफ मोल्स कितने बेटा? स्मॉल बी, तो रेज टू स्मॉल बी। और वहां पे जो मेरा रिएक्टेंट सी है उसके नंबर ऑफ मोल्स कितने? स्मॉल सी, तो यहाँ पे रेज टू स्मॉल सी। तो ये बेटा मेरा लॉ ऑफ मास एक्शन। इज दैट क्लियर? समझ में आई बात? अब देखो इस प्रोपोर्शनल साइन को मुझे हटाना है, इस प्रोपोर्शनल साइन को मैंने हटाया तो देखो यहां पे मेरा एक कॉन्स्टेंट लग जाएगा बेटा K, और अंदर क्या मिलेगा आपको? रिएक्टेंट ए का कॉन्सेंट्रेशन, फिर यहां पे रिएक्टेंट बी का कॉन्सेंट्रेशन और यहां पे रिएक्टेंट सी का कॉन्सेंट्रेशन। ए की पावर स्मॉल ए, बी की पावर स्मॉल बी और सी की पावर स्मॉल सी। और यहां पे K क्या है बेटा मेरा? K को बोलते हो बच्चे आप लोग रेट कॉन्स्टेंट। Is that clear बच्चे? हाँ, मान लो मेरे यहाँ पे पास दो वेरिएबल होते हैं, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी। इस प्रोपोर्शनल साइन को जब मैं हटाऊंगा तो एक कांस्टेंट से मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ता है बेटा, हाँ या ना? तो वही चीज मैंने यहाँ पे करी है। तो ये क्या बेटा मेरा? लॉ ऑफ मास एक्शन, जो कि पूरा का पूरा थ्योरिटिकल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है बेटा, इस पे कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं किया गया, कोई भी एक्सपेरिमेंट बेटा नहीं किया गया, सिर्फ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। ठीक है बेटा, अब चलो चलो ये चीज तो आप लोगों ने समझ ली बेटा। ठीक है, अब देख लेते हैं बेटा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के बारे में। ठीक है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या कह रहे हैं बेटा? ये रिएक्शन वो होती है जो आपके मल्टीपल स्टेप्स में कंप्लीट होती है, जैसे कि ऑर्गेनिक रिएक्शन बेटा। ठीक है, मेजोरिटी ऑफ द ऑर्गेनिक रिएक्शंस आर कंसिडर्ड एज द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बिकॉज दे टेक्स मल्टीपल स्टेप्स टू गेट कंप्लीटेड। ठीक है बेटा, अब जो ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होती हैं ये एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, इसका मतलब भाई इन पे प्रॉपर एक्सपेरिमेंट्स करे गए हैं, सिर्फ अंधाधुंध थ्योरी नहीं बता दी कि भाई ऐसा होता है ऐसा होता है, इनमें प्रॉपर एक्सपेरिमेंट्स करके रिजल्ट्स फाइंड आउट किए बेटा। तो समझ रहे हो ज्यादा एक्यूरेट कौन सा होगा बेटा? दिस वन। ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा यहाँ पे प्रॉपर एक्सपेरिमेंट्स किए गए, यहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद रिजल्ट्स इंटरप्रेट किए गए। वही एलिमेंट्री रिएक्शन में क्या था? कोई एक्सपेरिमेंट नहीं हुए, सिर्फ थ्योरी दे दी बेटा आपकी, सिर्फ थ्योरी। थ्योरी तो ऐसे मैं भी दे दूं कि ऐसा होता है ऐसे होता है, बट क्या वो चीजें सही हो सकती हैं? नहीं हो सकती ना बच्चे। इसलिए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या है बेटा? एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है, यहां पे आपके एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं और उसके बाद ही रिजल्ट्स इंटरप्रेट किए गए हैं। ठीक है, जैसे कि थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पे कौन सा लॉ बेस्ड है बेटा? लॉ ऑफ मास एक्शन। एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट पे कौन सा लॉ बेस्ड है बेटा? उसको बोलते हो आप लोग रेट लॉ।
ठीक है। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता था बेटा, कि किसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के प्रोडक्ट के बराबर, लेकिन रेज टू सम पावर होगा। रेज टू सम पावर्स में क्या आता था बेटा, यहाँ के इंडिविजुअल रिएक्टेंट के मोल्स, जैसे ए की पावर स्मॉल ए, स्मॉल ए क्या होता था, रिएक्टेंट ए के मोल, स्मॉल बी क्या होता था, रिएक्टेंट बी के मोल। रेट लॉ क्या कहता है, किसी भी केमिकल रिएक्शन का जो रेट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के प्रोडक्ट के बराबर। और यहां पे भी कुछ ना कुछ पावर्स होंगी रिएक्टेंट की, जैसे यहां पे रिएक्टेंट ए उसकी पावर कितनी है बेटा, एक्स, और बी की पावर कितनी है बेटा, वाई। अब ये एक्स और वाई क्या है सर, यहां पे तो आपने बता दिया भाई स्मॉल ए और स्मॉल बी क्या है। स्मॉल ए है बेटा यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स, यहाँ पे लिख रखा है बेटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए। स्मॉल बी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। लेकिन जो रेट लॉ कह रहा है सर कि किसी भी केमिकल रिएक्शन का जो रेट है वो प्रोपोर्शनल है क्या, रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के प्रोडक्ट के बराबर। बट यहां पे भी कुछ ना कुछ पावर्स होंगी, जैसे ए की पावर एक्स और बी की पावर वाई। तो ये जो आपने जो एक्स और वाई लगाया है ये क्या है सर, और इसी चीज को समझते हैं बेटा। ठीक है, सबसे पहले देख लो बेटा रेट लॉ क्या कहता है बेटा, मेरा रेट लॉ क्या कहता है, दी रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज नोन एज रेट लॉ। यानी रेट लॉ क्या कह रहा है बेटा, सिंपल सी बात है, अभी जो मैंने बताया रेट लॉ क्या कह रहा है, रेट लॉ क्या बोल रहा है बेटा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, किसके रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के प्रोडक्ट के बराबर। रेज टू सम पावर, अब पावर क्या है बेटा यहां पे, रिएक्टेंट ए के कॉन्सेंट्रेशन रेज टू पावर सम एक्स, और रिएक्टेंट बी की कॉन्सेंट्रेशन रेज टू सम पावर वाई। एक्स और वाई क्या है अभी थोड़ी देर में हम देखेंगे बेटा, ठीक है। तो ये होती है बेटा रेट लॉ की डेफिनेशन। रेट लॉ को आप एक नाम से और जानते हो बेटा, जिसको बोलते हो रेट इक्वेशन या फिर रेट एक्सप्रेशन। इसका मतलब क्या है बेटा, रेट लॉ को या तो आप रेट इक्वेशन भी बोल सकते हो, ठीक है, या फिर आप लोग रेट एक्सप्रेशन भी बोल सकते हो। तीनों में से बेटा आप लोग कोई सा भी नाम यूज कर सकते हो, ठीक है, या तो रेट लॉ बोल लो, या फिर रेट इक्वेशन कह लो, या फिर रेट एक्सप्रेशन कह लो, ये आप लोगों की मर्जी है। इज दैट क्लियर, ठीक है। तो रेट एक्सप्रेशन और रेट कांस्टेंट बेटा मेरा क्या कहता है, वो कहता है कि जो रिएक्शन का जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पे। ये चीज तो हमने देखी थी बेटा जब मैंने वो आपको नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का एग्जांपल देके बताया था कि जो केमिकल रिएक्शन का रेट होता है वो किस पे डिपेंड करता है, रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन, और वो भी कैसा रिलेशन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब क्या होगा बेटा, अगर रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, इसका मतलब क्या है, केमिकल रिएक्शन का जो रेट है वो भी कम होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के बराबर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो यानी कि अगर रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है तो केमिकल रिएक्शन का रेट भी बढ़ेगा, अगर रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन घट रहा है बेटा तो केमिकल रिएक्शन का रेट भी क्या होगा बेटा, मेरा घटेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि केमिकल रिएक्शन का रेट है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी प्रोडक्ट ऑफ दी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दी रिएक्टेंट। इज दैट क्लियर बेटा। तो जब रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो रिएक्शन का रेट भी बढ़ेगा, और अगर रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन घटेगा तो रिएक्शन का रेट भी घटेगा। इज दैट क्लियर बेटा, चलो आगे देख लेते बेटा। ये कोई बेटा मेरी जनरल रिएक्शन है, स्मॉल ए इंटू कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी इंटू कैपिटल बी इज गिविंग स्मॉल सी इंटू कैपिटल सी प्लस स्मॉल डी इंटू कैपिटल डी, ठीक है बेटा। अब इसका रेट क्या कहेगा बेटा, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ। अच्छा हम रेट लॉ क्यों कंसिडर करते हैं बेटा, रेट लॉ क्यों कंसिडर करते हैं, बिकॉज इट इज एन एक्सपेरिमेंटल लॉ, इट इज
एन एक्सपेरिमेंटल लॉ बेटा, क्योंकि इसमें एक्सपेरिमेंट किए हुए हैं, इसलिए हम रेट लॉ को कंसिडर करते हैं। लॉ ऑफ मास एक्शन को हम लोग क्यों कंसिडर नहीं करते बेटा? लॉ ऑफ मास एक्शन को हम कंसिडर इसलिए नहीं करते क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ थ्योरी बेस्ड है बेटा। इज दैट क्लियर? ये बात समझ में आ रही है बेटा? तो रेट लॉ क्या है मेरा? एक्सपेरिमेंटली ड्रिवन। और लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है बेटा? मेरा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। इसलिए वी गो फॉर रेट लॉ रादर देन लॉ ऑफ मास एक्शन। तो रेट लॉ क्या कहता है बेटा मेरा? किसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के प्रोडक्ट के बराबर रेज टू सम पावर। ठीक है, जो मेरा रिएक्टेंट है इट इज रेज टू सम पावर एक्स, और जो मेरा रिएक्टेंट बी है इट इज रेज टू सम पावर वाई। अब ये प्रोपोर्शनली साइन हटाऊंगा तो मैं किसी कांस्टेंट से मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हाँ है ना? और इसी के को आप क्या बोलते हो बेटा? रेट कांस्टेंट। ठीक है बेटा। और मैंने आपको बताया था कि हम केमिकल काइनेटिक्स में इंस्टेंटेनियस रेट से डील करते हैं, हाँ है ना बेटा? इंस्टेंटेनियस रेट से डील करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें एवरेज रेट हम लोग कंसिडर नहीं कर सकते। याद है वो मैंने बॉलर का एग्जाम्पल दिया था, पैट कमिंस वाला, तो वहां पे मैंने समझाया था कि हम लोग इंस्टेंटेनियस रेट को क्यों कंसिडर करते हैं। ठीक है, आप लोग उस लेक्चर को देख सकते हैं अगर आप लोगों को समझना होगा कि हम क्यों केमिकल काइनेटिक्स में इंस्टेंटेनियस रेट को लेकर वर्क करते हैं बेटा। ठीक है, अब ध्यान से देखो बेटा, इंस्टेंटेनियस रेट हम कैसे लिखते थे याद करो, डी वाई बाई डी टी, यही होता था बेटा। और ये चीज मुझे क्या बताती है बेटा? रेट बताती है। और यहां पे हम रिएक्टेंट के बारे में बात कर रहे थे, तो यहां पे क्या लिखोगे? आर। और रिएक्टेंट का रेट जब आप निकालते हो तो ऑब्वियसली बात है उसके आगे नेगेटिव साइन लगा देते हो। ऐसा क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट की जो रेट है वो नेगेटिव आती है, और रेट इज इक्वल टू स्पीड, एंड स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, सो इसलिए हम वॉलंटरली खुद ही नेगेटिव साइन लगा देते हैं। इसलिए आपने यहां पे रेट को किस में कन्वर्ट कर दिया? माइनस डी आर बाय डी टी। ठीक है, और ये किसके बराबर होगा बेटा? रेट कांस्टेंट के बराबर इनटू रिएक्टेंट ए की पावर एक्स इनटू रिएक्टेंट बी की पावर वाई। अब एक्स और वाई यहां पे जहां से देखो, वेयर एक्स एंड वाई मे और मे नॉट बी इक्वल टू दी स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ए एंड बी ऑफ द रिएक्टेंट। इसका मतलब क्या कह रहा है बेटा? जो आपने रिएक्टेंट ए की पावर एक्स लिखा और रिएक्टेंट बी की पावर वाई लिखा, ठीक है, तो यहां पे एक्स ए के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। और ए क्या है मेरा यहां पे? ए था मेरा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट ए। सिमिलरली वो कहना चाह रहा है बी की पावर वाई, तो वाई मेरा स्मॉल बी के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इट डिपेंड्स, एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, हम डायरेक्टली नहीं बोल सकते, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड ही नहीं बेटा, हमें एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा तभी हम बता सकते हैं कि एक्स मेरा या तो स्मॉल ए के बराबर होगा या नहीं होगा, वाई मेरा स्मॉल बी के बराबर होगा या नहीं होगा। और स्मॉल बी क्या है बेटा मेरा यहाँ पे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट बी। इज दैट क्लियर बेटा? ये बात सबको समझ में आई? ठीक है, अब आगे देखो बेटा, इक्वेशन वन। कौन सी इक्वेशन वन बेटा? ये वाली इक्वेशन वन। इक्वेशन वन, इस इक्वेशन को क्या कहते हो आप लोग? डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। मैंने बताया था ना यहां पे डी का मतलब क्या होता है बेटा? डी स्टैंड्स फॉर डिफरेंशिएशन, डी स्टैंड्स फॉर डिफरेंशिएशन। इस पूरी इक्वेशन को आप क्या बोलते हो बेटा? डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। ठीक है, इस पूरी इक्वेशन को आप लोग क्या बोलते हो बेटा? डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, वेयर के इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। और के क्या है बेटा? ऑब्वियस सी बात है, हमने रेट किसके बराबर किया था? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की कॉन्सेंट्रेशन रेज टू सम पावर एक्स इंटू बी की कॉन्सेंट्रेशन रेज टू पावर सम वाई। और जब ये प्रोपोर्शनल साइन हम हटाते हैं तो किसी कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो इक्वल टू के इंटू ए की कॉन्सेंट्रेशन रेज टू पावर सम एक्स
बी की कॉन्सेंट्रेशन रेज टू पावर सम वाई। यहां पे के क्या है बेटा, यहां पे मेरा रेट कांस्टेंट या फिर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जो कि बेटा यहां पे लिखा हुआ है, ध्यान से देखो, या तो आप लोग रेट कांस्टेंट बोलोगे या फिर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। इज दैट क्लियर? चलो अब देखो बेटा, अब देखो रेट लॉ की प्रॉपर डेफिनेशन देखो, ठीक है। रेट लॉ क्या कहता है बेटा, इट इज दी एक्सप्रेशन, ठीक है, इन विच रिएक्शन रेट इज गिवन इन टर्म्स ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विथ ईच टर्म रेज टू सम पावर विच मे और मे नॉट बी सेम एज दैट ऑफ द स्टोइकोमेट्रिक कोफिशियंट ऑफ द रिएक्टिंग स्पीसीज इन अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। यानी कि वो कहना चाह रहा है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन का जो रेट होगा इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के प्रोडक्ट के बराबर। हाँ या ना बेटा? ए बी क्या है मेरे रिएक्टेंट, मान लो ये मेरी इक्वेशन दे रखी है, स्मॉल ए इंटू कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी इंटू कैपिटल बी इज गिविंग स्मॉल सी इंटू कैपिटल सी, ये मेरी रिएक्शन है बेटा। तो इस रिएक्शन का जो रेट है वो क्या होगा बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी प्रोडक्ट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। रिएक्टेंट बेटा क्या गया बेटा, कैपिटल ए और कैपिटल बी, यही है बेटा। और इनकी कॉन्सेंट्रेशन किसमें होगी बेटा, किसी में भी हो सकती है, मोल्स पर लीटर में होती है, और अगर गैशियस फॉर्म में होंगे तो बेटा ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, पास्कल में, सो ऑन। अब यहां पे ए की पावर कुछ होगा बेटा एक्स और बी की पावर होगा सम वाई, वेयर एक्स ए के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, वेयर स्मॉल ए क्या बेटा, कैपिटल ए के मोल्स, वही वाई बी स्मॉल बी के बराबर हो सकता है और नहीं भी हो सकता, और स्मॉल बी क्या बेटा मेरा, कैपिटल बी के मोल्स। तो ये क्या है बेटा मेरा रेट लॉ। इज दैट क्लियर? ठीक है बेटा, अब देखो एक एग्जांपल देखो, ट्वाइस ऑफ एनओ प्लस ओ टू, और इनका फेस क्या दे रखा है बेटा, ये जी है क्या है, गैस फॉर्म लिखा होता है, गैशियस, प्लस ओ टू, और इसका भी फेस क्या है बेटा, गैशियस। ये रिएक्ट करके क्या बना रहे बेटा, ट्वाइस ऑफ एनओ टू, और ये इसका भी फेस क्या है बेटा, गैशियस फेस। इज दैट क्लियर? हाँ या ना बेटा? चलो अब देखो बेटा, मुझे एनओ का मुझे कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। देखो एक्सपेरिमेंट किए गए बेटा, एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट टू, एक्सपेरिमेंट थ्री, एक्सपेरिमेंट फोर, क्योंकि मैंने आपको बताया था बेटा रेट लॉ ये मेरा एक्सपेरिमेंट्स पे बेस्ड होता है बच्चे। हाँ या ना? मेरा जो रेट लॉ है बेटा वो एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड होता है, इसलिए मैं बेटा चार एक्सपेरिमेंट करें। अब ध्यान से देखो, पहला एक्सपेरिमेंट में एनओ का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 0.30। सेकेंड एक्सपेरिमेंट में एनओ का कॉन्सेंट्रेशन 0.60। एक्सपेरिमेंट थ्री में एनओ का कॉन्सेंट्रेशन 0.30 और एक्सपेरिमेंट फोर में एनओ का कॉन्सेंट्रेशन 0.60। उसी तरीके से ओ टू का फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में कॉन्सेंट्रेशन 0.30, फिर उसके बाद 0.30, 0.60, 0.60 एंड सो ऑन। और उसके बाद एनओ टू का एक्सपेरिमेंट वन में कॉन्सेंट्रेशन 0.096, उसके बाद 0.384, 0.192 एंड 0.768। और यहां पे बेटा ध्यान से देखो, मेरा एनओ एंड ओ टू ये दोनों क्या है बेटा मेरे, रिएक्टेंट है, ये बात क्लियर होती है बच्चे। और वहीं पे मेरा NO2 क्या है बेटा, NO2 क्या है मेरा प्रोडक्ट। ये बात समझ में आ रही है बच्चे? हाँ या ना? चलो अब एक चीज ध्यान से देखना बच्चे, एक चीज ध्यान से देखना, अगर मैंने O2 की कॉन्सेंट्रेशन कॉन्स्टेंट रखी, O2 की कॉन्सेंट्रेशन कॉन्स्टेंट रखी, अब देखो कॉन्स्टेंट कहां कहां हो रहा है बेटा, देखो 0.30, 0.30 कॉन्स्टेंट है। फर्स्ट केस में बता रहा हूं, O2 की कॉन्सेंट्रेशन बेटा मैंने कॉन्स्टेंट रखी पहले दो एक्सपेरिमेंट में, तो देखो एनओ की कॉन्सेंट्रेशन कैसे हो गई, 0.30 से 0.60, यानी कि डबल हो गई बेटा, यानी कि डबल हो गई। ये बात समझ पा रहे हो?
O2 की कॉन्सेंट्रेशन मैंने कॉन्स्टेंट रखी पहले दो एक्सपेरिमेंट में, 0.30 और 0.30। पहले दो एक्सपेरिमेंट में मैंने O2 को कांस्टेंट रखा, तो देखो NO की कॉन्सेंट्रेशन कैसे होगी बेटा मेरी, डबल होगी। 0.30 से मैं कहां चला गया, 0.60। अरे 0.30 को 2 से मल्टीप्लाई करो बेटा, 0.60 ही तो आ रहा है, तो देखो डबल ही तो हुआ। अब जैसे ही NO की कॉन्सेंट्रेशन डबल हुई, अब ध्यान से देखो NO2 की कॉन्सेंट्रेशन कितनी बढ़ गई, 0.096 इंटू 4 करो बेटा, 6 4 24, 9 4 36, 38 3, तो यानी ये कितनी बार बढ़ गई बेटा, 4 टाइम्स। कुछ चीजें रिलेट कर पा रहे हो? आपने O2 की कॉन्सेंट्रेशन पहले दो एक्सपेरिमेंट में कॉन्स्टेंट रखी, कॉन्स्टेंट रखी, और NO की कॉन्सेंट्रेशन देखो बेटा डबल हो गई। जैसे ही डबल हो गई, तो जो आपका रेट ऑफ फॉर्मेशन आ रहा था, इनिशियल रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2, वो कितनी टाइम बढ़ गया, 4 टाइम्स। ये बात समझ पा रहे हो बेटा? हाँ है ना? ठीक है, इसका मतलब क्या बेटा, रेट रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NO का होल स्क्वायर। ऐसा क्यों किया मैंने, ध्यान से देखो ये रिलेशन मैंने क्यों लिखा, ये वाला रिलेशन मैंने क्यों लिखा कि रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NO का होल स्क्वायर। NO का जब मैंने कॉन्सेंट्रेशन डबल किया, तो मेरा रेट कितने टाइम बढ़ गया बेटा, 4 गुना टाइम। देखो यहां पे डबल हुआ, तो मेरा रेट कितनी बार बढ़ गया बेटा, 4 टाइम्स। इसका मतलब ध्यान से देखो, यहां पे मैं NO की जगह 2 डाल रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल मान लो NO इज इक्वल टू 2, तो यहां पे मेरा रेट क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, 2 का होल स्क्वायर, और ये किसके बराबर है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4। यानी NO को जैसे मैंने डबल किया, मेरा रेट कितना बढ़ गया, 4 गुना। इसलिए मैं क्या बोल रहा हूं बेटा, यहां पे रेट जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NO का होल स्क्वायर। ये बात समझ में आ रही है बेटा? जैसे NO को डबल करोगे, मेरी रेट कितनी बढ़ जाएगी बेटा, 4 टाइम्स। ये वाला स्टेप समझ में आया? चलो ठीक है, अब अगला स्टेप देखना बेटा ध्यान से। अब अगला स्टेप देखना, अगला स्टेप देखो क्या होगा, अगला स्टेप है बेटा कि अब मैंने NO की कॉन्सेंट्रेशन कॉन्स्टेंट रखी, वो किसमें, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 और एक्सपेरिमेंट नंबर 3 में मैंने कॉन्स्टेंट रखी। देखो यहां पे भी 0.30 और यहां पे भी 0.30। ठीक है, अब देखो O2 की कॉन्सेंट्रेशन पहले और तीसरे एक्सपेरिमेंट में मैंने डबल कर दी, पहले क्या था बेटा 0.30 और थर्ड एक्सपेरिमेंट में मैंने क्या कर दिया, 0.60, यानी ये बिना डबल कर दिया बेटा, डबल। जैसे ही मैंने डबल करा, NO2 की रेट देखो बेटा फर्स्ट और थर्ड एक्सपेरिमेंट में, पहले था 0.096 और अब कितना हो गया, 0.192, और 0.096 को 2 से मल्टीप्लाई करो, तो मेरा क्या आता है बेटा, 0.192। इसका मतलब रिएक्शन रेट क्या हो गई बेटा मेरी, डबल। एक बार फिर से देखो, एक्सपेरिमेंट नंबर फर्स्ट एंड थर्ड में आपने NO की कॉन्सेंट्रेशन क्या रखा बेटा, कॉन्स्टेंट, 0.30 0.30, तो O2 की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गई, डबल हो गई। O2 की कॉन्सेंट्रेशन जैसी डबल हुई, केमिकल रिएक्शन का रेट भी क्या हो गया मेरा, डबल हो गया। इसका मतलब इस केमिकल रिएक्शन का रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू O2 के कॉन्सेंट्रेशन के बराबर। ऐसा क्यों, ध्यान से देखो, NO को मैंने कॉन्स्टेंट रखा, O2 को मैंने जैसी डबल किया, मतलब इस वाले पार्ट को मैंने डबल किया, मेरी रेट भी क्या होगी बेटा, डबल हुई, नहीं हुई, 0.096 से 0.192, यानी जैसे ही O2 को डबल किया, मेरी रेट भी क्या होगी बेटा, डबल।
यानी रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ओ टू. इन दोनों रेट को साथ में लिखो तो कैसे लिखोगे, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन ओ का होल स्क्वायर इन टू ओ टू. तो ये होगी बेटा मेरी इस केमिकल रिएक्शन की रेट. हाँ या ना बेटा, समझ में आया बच्चे? ठीक है, तो यहां पे देखो बेटा, और इस प्रोपोर्शनल साइन को फिर आप हटाओगे तो इक्वल टू के लगाओगे बेटा, और यहां पे अच्छा एनओ टू नहीं होगा, यहां पे सिर्फ एनओ होगा. ठीक है, गलती से लिखा बेटा, एनओ का होल स्क्वायर इंटू ओ टू, और के क्या है बेटा मेरा यहां पे रेट कॉन्स्टेंट. इज दैट क्लियर बेटा? चलो, तो बस बच्चे, तो हमने अब रेट लॉ, रेट कांस्टेंट एंड लॉ ऑफ मास एक्शन पूरा अच्छे से सीख लिया है एग्जांपल के साथ. इसी के साथ इस सेशन को यही खत्म करते हैं. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.